तो चलिए जल्दी से इस अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि वॉच एक्चुअल कैसा है और यूज़ करने में कैसा है। तो कुछ इस तरह से पैकिंग दी गई वॉच की और फ्रंट में आपको वॉच मिलेगा कुछ इस तरह का। तो अभी वॉच को साइड पे रखते हैं और ये सब एक्सेसरीज साथ में बॉक्स कंटेन। तो एक्सेसरीज में क्या मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले एक पाउच खोल लेंगे एक्सेसरीज का, उसके अंदर दिया गया एक चार्जिंग केबल जो कि एक मैग्नेटिक कंट्रोल वाला है। ये दो मैग्नेट है और दो पॉइंट्स है जो कि चार्जिंग करेंगे। साथ में कुछ गाइड्स है और एक साथ में बोट वॉच स्टॉर्म की जो है यूज़र मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड है एज यूजल जो कि सब बोट के साथ मिलता है। तो इसको रखेंगे हम साइड पे और आएंगे एग्जैक्टली अपने वॉच के ऊपर। तो निकाल लेंगे वॉच को बाहर। अगर मैं वॉच के स्ट्रैप्स की बात करूँ तो इतना प्रीमियम फील नहीं दे रहे हाथ पे, लेकिन प्रीमियम फील कैसे भी दे आपको 2500 में ये वॉच मिल रहा है हार्ट रेट मॉनिटर के साथ, फिटनेस मॉनिटर के साथ, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको स्ट्रैप्स वगैरह जो भी प्रीमियम क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, तो भी आपको वॉच तो पहनने मिल रहा है उतना आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह के वॉचेस का जो है बैंड्स है और जैसे कि हर वॉच में आता है लॉक तो प्रीमियम है। कुछ इस तरह से आपको निकाल के लगा सकते हो। फिर से पीछे की तरफ ये जो मैग्नेटिक कंट्रोल है वो कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो है अपने चार्जर को कुछ इस तरह से मैग्नेट स्टक करके चिपका सकते हो और ये स्टिक हो जाएगा और आपका जो है वॉच चार्ज होगा। और मैग्नेट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, वॉच आपका ऐसे ही आसानी से नहीं गिरेगा। तो चलिए करते हैं वॉच को ऑन। ऑन करने के लिए एक स्विच दिया गया है साइड पे, उसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आई डोंट थिंक दोस्तों कि इसके अंदर बैटरी अवेलेबल है चार्ज हुई, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको चार्जिंग करके फिर से दिखाता हूँ कि डायल फेसिस जो कि ये कैसा है और एप्स के अंदर से कैसे कनेक्ट होता है ये। तो इसे आता हूँ मैं चार्ज करके, फिर से आ गया हूँ वॉच को चार्ज करके। तो इस तरह का आपको जो कि ये डायल फेस मिलेगा जब भी आपका वॉच ऑन होगा तभी, और चार्ज पर रखने पर कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। और इसका मैग्नेट जो है काफ़ी अच्छा है और वॉच में वाइब्रेटर मोटर है ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से महसूस हो पाए। तो कुछ इस तरह का आपको चार्जिंग नोटिफिकेशन मिलेगा और वॉच जब भी चार्जिंग मोड पर होगा तभी आप इस पर कुछ भी यूज़ कर नहीं पाओगे। तो ये एक अच्छी बात है कि वॉच जब चार्जिंग पर होगा तभी आप इसे कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए टाइम देना होगा और कुछ भी नहीं होगा चार्जिंग में। तो आप सिर्फ ये बटन प्रेस करके लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हो चार्जिंग इंडिकेटर देखने के लिए कि कितना मेरा वॉच चार्ज हुआ है। तो चार्जर को रखेंगे साइड पे और कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले डायल फेसिस मिलेंगे और डायल फेसिस चेंज करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करिए स्क्रीन पर, तो आपको फिलहाल के लिए तीन अलग अलग डायल फेसिस मिलेंगे, तो आप उसमें से कौन सा भी सेट कर सकते हो। फिर आते हैं सेटिंग्स पे, लेफ्ट साइड आप स्वाइप करोगे तो एक आपको ऊपर ब्लूटूथ की नोटिफिकेशन जो है वो ब्लिंक करती दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपका ब्लूटूथ पेयर करने के लिए रेडी है, आप इसे फोन के साथ जो ऐप में पेयर कर सकते हो। और राइट साइड पे आपको मिलेंगे बैटरी इंडिकेटर और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऑन और ऑफ कर सकते हो, जैसे कि ये हार्ट रेट मॉनिटर है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन किया है मैंने। फिर ये रिस्ट पे जब इसे पहने रहोगे तो रिस्ट आपका ऊपर करते ही ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, इसका मतलब है कि आप उसे इजीली देख पाओगे। फिर ये DND डू नॉट डिस्टर्ब और लास्ट में है GPS फंक्शन ऑफ और ऑन करने के लिए। अभी फिलहाल फंक्शन ऑफ है क्योंकि फोन जो एप्लीकेशन के साथ है कनेक्ट नहीं किया है। तो आगे देखते हैं और राइट साइड पे स्लाइड करने पे आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट सेंसर है, ब्लड ऑक्सीजन है, ब्लड प्रेशर है, रिलैक्स मोड है, अलार्म है, म्यूजिक कंट्रोल है, टाइमर और
सेटिंग्स एंड लास्ट में है स्पोर्ट रिकॉर्ड। स्पोर्ट रिकॉर्ड आप कुछ रखना हो तो यहाँ से आप एप्लीकेशन की मदद से रख पाओगे। और सेटिंग के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले आता है डायल्स, जो कि आपके तीन डायल है वो ही देखेंगे। फिर आते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल, लो, मीडियम एंड हाई। और लास्ट में अबाउट, जो कि आपको मैक आई डी दिखेगा इस वॉच का। तो चलिए जल्दी से इसे पेयर करते हैं फ़ोन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग को डाउनलोड करना होगा प्रो गियर एप्लीकेशन, जो कि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही प्रो गियर ऐप आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले ऊपर है सेटअप, तो कुछ इस तरह से आपको सेटअप करना है। टर्न ऑन योर फोन ब्लूटूथ, फिर 10 मीटर की रेंज में आपका वॉच और फोन होना चाहिए। तो आप है ऑल सेट टू गो, तो राइट स्लाइड करेंगे तो दूसरी स्क्रीन आएगी। इस पे ऊपर कुछ की फीचर्स ये है कि कुछ आप इस तरह के एप्लीकेशन को अंदर यूज़ कर सकते हो। और राइट स्लाइड करेंगे तो आप इसे जब भी वॉच को आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो फेसबुक के साथ या किसी और ऐप के साथ, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो करना चाहो तो। तो हम करेंगे यूज नाउ। और यूज नाउ आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ब्लूटूथ जो वॉच है आपका उसको स्क्रीन ऑन करनी होगी और ऑन ही रखनी। जैसे ही आप स्क्रीन ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा स्टोम, जो कि ये वॉच का नाम, तो उस पर कनेक्ट करेंगे हम लोग क्लिक करके। लास्ट में ऑप्शन है कंफर्म बाइंड डिवाइस, तो हम लोग करेंगे बाइंड। और वॉच काफी तेज वाइब्रेट हुआ और नोटिफिकेशन देने के लिए कि भाई आपका वॉच किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो फिर इसके ऊपर आप यूजर प्रोफाइल सेट करेंगे, जो कि फोन पे मेल फीमेल जो आपको सिलेक्ट करना हो, तो सिलेक्ट करेंगे मेल। नेक्स्ट बर्थ डेट, जो भी आपका बर्थ डेट हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 5'9" जो भी आपका हाइट हो वो डालना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में जो आपका ट्रैकिंग रहेगा वो आपकी बर्थ डेट, आपकी हाइट, आपका वेट, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो उसके हिसाब को जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी उस हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो वेट तो ज़्यादा सेट नहीं करना होगा अभी, तो फिलहाल के लिए दिखाने के लिए करना है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। और एक्टिविटी कोर्स, आपको स्टेप कितने चलने हैं एक दिन में, 1000, 10,000, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक टू सेट यू कैन सेट। तो स्लीप गोल, 8 घंटे आपको मिनिमम सोना पड़ता है, तो 8 घंटे तो रखना ही होगा, और उससे ज़्यादा आप रखोगे 10 घंटे, जो अगर बहुत ही आप आलसू हो तो फिर 12 घंटे 13 घंटे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरह से आपको वापस एक अलाउ करना होगा बोट प्रो गेयर टू एक्सेस द फोन फोटोज मीडियाज और कंटेंट जो भी फोन के अंदर आपकी है वो, तो हम करेंगे उसको अलाउ। तो कुछ इस तरह से आपको सबसे पहली स्क्रीन दिखेगी कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे होम डिटेल्स, प्लस में एक्टिविटीज आपको कौन सी ट्रैक करवानी है वो है। डिवाइसेस, तो आपके डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आपको आइलेट्स चाहिए, क्या चाहिए, डायल सेटिंग्स है, म्यूजिक कंट्रोल है, हार्ट रेट है, जो भी आपके फोन्स के अंदर अभी आपको दिख रही है वो यहाँ पे आपको दिखेगी कि आपके फोन्स के अंदर क्या क्या है, क्या ऑन है, क्या ऑफ है, सभी चीज़ें। आप कॉल अलर्ट्स भी ऑन कर सकते हो यहाँ से, अलाउ आपका कॉल की जब भी वो भी है, ये जब भी आपका कॉल आएगा तभी आपको अलर्ट देगा कि फोन आ रहा है, तो आप उसमें वॉच में देख के आप उठा सकते हो। SNS अलर्ट्स है, अलार्म अलर्ट्स है, बहुत सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे। और लास्ट में है फर्मवेयर अपग्रेड, तो अभी वर्जन 6 आया हुआ है नया, उसे स्टार्ट अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड होने लगेगा। तो काफी देर बाद तो फोन के अंदर कुछ तो मेरे को दिखा, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वॉच भी अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे फोन में भी अपग्रेडिंग दिख रहा है कि 10% 13% अपग्रेड हो रहा है इसके। ये मैंने रिस्टार्ट किया एक्चुअली, डाउनलोड जो भी हो रहा था वो, क्योंकि कुछ ग्लिच आई थी आई डोंट नो, तो यहाँ पे 50% पे ही 100% मेरे को दिख रहा था, मीन्स की कुछ डाउनलोड में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं इसको रिस्टार्ट किया तो डाउनलोड हो गया, और इसके बाद अपग्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप वॉच में भी देख पाओगे कुछ इस तरह का अपग्रेडिंग हो रहा है। तो अब इसे होने देते हैं और देखते हैं कि वॉच में फिर क्या चेंजेस आता है। और यहाँ पे टिक मार्क का सिंबल आ चुका था वॉच में, अब वॉच स्टार्ट होगा आई थिंक। ओके, स्टार्ट हो चुका है वॉच। तो अभी देखते हैं कि डायल जो फेसेस है वो चेंज हुआ कि नहीं, ना अभी तक इसमें 3 ही दिख रहे हैं, और कुछ चेंजेस है
इसमें तो कुछ नहीं है, एक बार ऐप में चेक कर लेते कि ऐप में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो ये अपडेट हुआ, बैक करेंगे डिवाइस। ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन ऑन स्क्रीन पे जाएंगे तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें भी अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। शायद फिर जब भी दूसरा अपडेट आएगा तो आप वॉच फेसेस अलग से चेंज कर पाओ। तो ये था दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो में ये बोट के वॉच स्टॉर्म के बारे में। तो फ्लिपकार्ट से सिर्फ ये 2499 में आप परचेस कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स मोड ट्रैक करना हो तो ये वॉच अच्छा है। अगर आपको वॉच की तरह पूरा वॉच पहनना है तो इसे मत खरीदना, कोई और अच्छा सा 3,500-4,000 वाला वॉच ले लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी क्लिक करता हूँ मैं साइन ऑफ।